makeuplovers, I'm Sonali. Welcome back to my channel. Friends, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Lakme Sun Expert SPF 40 UVA UVB Protection PA Triple Plus Ultra Matte Compact Non-Sticky Sun Protection. तो ये कॉम्पैक्ट भी है और ये सन का प्रोटेक्शन भी देता है, तो टू इन वन प्रोडक्ट हुआ. इसकी जो प्राइसिंग है वो है 210 रुपीज और इसमें आपको मिलता है 7 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट और ये आता है ओनली वन ही शेड में, ओनली एंड ओनली वन शेड में अवेलेबल है. ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे मेडलिन हो गया, वो 150 रुपीज का आपको कॉम्पैक्ट प्रोवाइड करता है, बट Lakme 210 रुपीज में कॉम्पैक्ट लेकर आया है. तो ये थोड़ा अफोर्डेबल साइड में नहीं है, अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव आप बोल सकते हैं इसे, बहुत ज्यादा नहीं, बट अगर ये 200 के अंदर होता तो ये काफी बजट फ्रेंडली और अफोर्डेबल होता. तो ये है इसकी आउटर पैकेजिंग जिसमें आपको डिटेल्स वगैरह मेंशन करके आ जाते हैं, और अगर आप इसकी इनर पैकेजिंग देखिए तो कुछ इस तरह का है जो कि बिल्कुल Lakme रेडियंस कॉम्पैक्ट की तरह है, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है. बस अगर फर्क है तो इसका कलर. पैकेजिंग बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे आपको डिटेल्स आती है, बैक साइड में कुछ डिटेल्स आती है. आपको यहाँ पे फुल साइज मिरर मिलता है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है, और आपको यहाँ पे मिलता है एप्लीकेटर, और यहाँ पे आपको एक शील्ड मिलती है प्लास्टिक की, देन आपको प्रोडक्ट मिलता है. तो जैसे अगर आपने Lakme रेडियंस कॉम्पैक्ट यूज किया होगा ना, उसका जो कंसिस्टेंसी है वो काफी पाउडरी है, मतलब अगर चौकी इन नेचर है, काफी पाउडरी है, चौकी है. उसी तरह से सेम ये भी है. जब आप इसे लाइक पिक करेंगे प्रोडक्ट एप्लीकेटर से या ब्रश से, जिससे भी पिक करेंगे, तो ये थोड़ा सा इधर उधर गिरता है, चौकी है क्योंकि ये. तो इसी एप्लीकेटर से अप्लाई करके दिखाती हूँ, और मैंने एक प्रोडक्ट पिक किया है और अब मैं अप्लाई करूंगी. एज यू कैन सी, ये कितना ज्यादा चौकी है, पाउडरी है. तो मैंने अपने हाफ फेस पे अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया, तो यू कैन क्लियरली सी कि ये थोड़ी सी शियर कवरेज आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें लिख कर आता है अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट. सो गाइस, यू कैन क्लियरली सी उस तरह से ये मेरे फेस को बिल्कुल मैट फिनिश भी दे रहा है. तो इसकी फिनिश जो है वो काफी मैट है, स्मूथ इन एप्लीकेशन है, बिल्कुल एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में. जैसे कि इसमें SPF है, तो हम सबको व्हाइट कास्ट का डर होता है, क्योंकि SPF वाली जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़ा व्हाइट कास्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो सनस्क्रीन हो, चाहे वो क्रीम हो. लेकिन ये आपके फेस को बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं कर रहा है, आपके फेस को ब्राइटन अप कर रहा है, साथ ही साथ आपके फेस को मैट इफेक्ट भी दे रहा है. ये फेस को स्वेटप्रूफ बनाता है और आपके ऑयल प्रोडक्शन को भी थोड़ा कंट्रोल कर रहा है, आपके फेस को मैट फिनिश दे रहा है, बट व्हाइट कास्ट बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर रहा. अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अब मुझे सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं पाउडर वाला सनस्क्रीन अप्लाई कर लूंगी तो आई एम गुड टू गो. नो, सनस्क्रीन आपकी स्किन में मिलना नहीं चाहिए, वो एक थिन लेयर की तरह होना चाहिए जो कि प्रोटेक्ट करता है हमें UVA एंड UVB से. तो इस वजह से सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा, चाहे आप ये कॉम्पैक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पैक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, आपको सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है. चाहे वो जेल सनस्क्रीन हो, चाहे वो क्रीम सनस्क्रीन हो, वो थोड़ा सा तो स्टिकी इफेक्ट देता है, राइट. इस वजह से आप इस पाउडर सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं. उस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद ये मेक श्योर करेगा कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल मैट हो जाए, और हल्का सा कवरेज भी दे देगा, सो दैट आपको कोई भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम लगाने की जरूरत ना पड़े, और आप तुरंत अपने कॉलेज के लिए, वर्क के लिए, ऑफिस के लिए बिल्कुल इन जस्ट फ्यू स्टेप्स में आप रेडी हो जाए. ये सनस्क्रीन का आई थिंक सो इससे बेस्ट मैं रिव्यू नहीं दे सकती थी. ये सबसे अच्छे वर्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, मुझे जो पर्सनली फील हुआ वो मैंने आप लोगों को बताया. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो. अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा. मैं हूँ सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.